ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित रैली शुक्रवार को मुरादाबाद पहुंची। यहां सोनकपुर स्टेडियम में रैली का स्वागत हुआ। रैली में कारागार मंत्री जय कुमार जे की और यूपी ओलंपिक संघ के महासचिव आंदेश्वर पांडे भी शामिल रहे। इस मौके पर आंदेश्वर पांडे ने कहा कि खेल चला गाँव की ओर योजना के तहत गाँवों में खेल के मैदान विकसित कर ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने गए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा प्रदेश में 51 जिलों में जागरूकता रैली निकाली जा रही है। रैली के स्वागत के बाद ओलंपिक संघ उत्तर प्रदेश के महासचिव ने खिलाड़ियों से उनका परिचय प्राप्त किया, उन्हें खेल भावना के साथ आगे बढ़ने और तैयारियों में गंभीरता लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना गाँवों में ग्राम पंचायत के माध्यम से खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे, जिससे गाँवों की प्रतिभा को आगे आने का पूरा अवसर मिल सके। खेलो इंडिया नीति के तहत गांवों और शहरों में अच्छे खिलाड़ी आगे लाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि विदेशों में खिलाड़ियों पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, जबकि हमारे यहाँ बहुत कम खर्च किया जाता है, फिर भी हमारे खिलाड़ी विदेशियों को मात देकर मेडल लेकर आते हैं। देश के स्पॉन्सर ओलंपिक फंड में 30 करोड़ रुपए से अधिक दे चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कारागार मंत्री जय कुमार सिंह जे की वहां पर मौजूद खिलाड़ियों को ओलंपिक संघ से संबंधित खेलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में गौरवान्वित करने वाला प्रदर्शन करेंगे और पिछले वर्षों से अधिक मेडल लेकर लौटेंगे। यह रैली 4 अगस्त को लखनऊ में समाप्त होगी। इस मौके पर क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना, डॉक्टर अजय विक्रम पाठक, जिला सचिव ओलंपिक संघ, युवा कल्याण अधिकारी नरेश कुमार चौहान, विशन पाल सिंह, रंजीत राज, प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे। कोई पैसे की कमी नहीं है, जिस गांव सभा में जगह हो, आपसे हम कहते हैं, अपने पत्रकार साथियों से कहते हैं, कल जिला अधिकारी के साथ बैठिएगा और पूछिएगा कि जिला अधिकारी महोदय, आपने कल जगह छटवाई क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते है कि हर गाँव में खेल का मैदान बने और कारागार मंत्री जी ने ये बयान दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हर जिले में कहा, आप करेंगे देखेंगे, उसका प्रैक्टिकली नीचे जमीन में मिलेगा। और जिस बात का सपना देखा है पांडे जी ने कि मुझे गांव गांव में खेल के मैदान बनाना है, अभी आपको 2-3 महीने के अंदर उसकी शुरुआत आपके जिले में मिलेगी और आपको अधिकारी उस पर ब्लॉक में काम करके 3 अधिकारियों को काम करना है, इसके जिला अधिकारी को काम करना है, मुख्य विकास अधिकारी CDO को करना है और DC मनरेगा को करना है, इन 3 लोगों को करना है और विकास खंडों में खंड विकास अधिकारी उसका भेजेंगे, एस्टीमेट बनवा करके इंजीनियर, और उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं, मनरेगा योजना में धन की कोई कमी नहीं। उस योजना का मकसद है 60-40 के रेशियो पर काम करना, 40% पक्का काम होगा, 60% कच्चा काम होगा, उसकी लेबलिंग करना, मैदानों को तैयार करना। हमें यहाँ तक माननीय पांडे जी की जो प्लानिंग है कि हमारे गांव में जब बच्चा गांव में खेले तो वहाँ पर कौन आदमी दूध देगा, कौन केला देगा, कौन सेब देगा। लोग अगर मंदिर में जाते हैं, मंदिर के लिए दान देते हैं, लोग सामाजिक कार्यों के लिए दान देते हैं, हम वो पैदा जागरूकता कर देंगे कि हमारे गांव में बच्चा खेलेगा और कोई दूध की बाल्टी लिए खड़ा होगा कि हम आज बच्चों को मैं दूध पिलाऊंगा, आज मैं केला दूंगा, आज मैं सेब दूंगा, आज इन्हें बिस्कुट मैं दूंगा। ये हमें पैदा करना है और उसमें आपके जनपद में हम लोग आए हुए हैं, तो आपसे भी हम अपेक्षा करेंगे, सहानुभूतिपूर्वक पत्रकार साथियों से अपेक्षा करेंगे कि ये गांव के अंतिम व्यक्तियों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, जिन्हें कोई प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था, उन्हें हमें प्लेटफार्म देना है।